हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एस एससी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे आपको बता दें जितने भी सामान्य ज्ञान के अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनसे भी प्रश्न को हम लोग डिस्कस करें वन बाय वन करके और सेट नंबर इकतालीस से और प्रत्येक सेट में दस प्रश्न को डिस्कस करें व्याख्या के साथ में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या एक देखते हैं दिया गया कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं ये प्रश्न दो हजार नौ में पूछा गया है गोवा कालीकट कन्नौर कोचिन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी गोवा में प्राप्त हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं व्यापक रूप से गोवा में ही पाए जाते हैं कुछ कोचिन में भी पाए गए हैं प्रश्न संख्या दो देखते हैं देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसिसियो को पूरी तरह परास्त किया था ये प्रश्न दो में पूछा गया है वन डेवास की लड़ाई बक्सर की लड़ाई प्लासिक की लड़ाई अंडेयर की लड़ाई तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं ये वन की जो युद्ध हुआ था वो सत्रह सौ साठ ईस्वी में हुआ था ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किनके किन के बीच तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और उसके बाद अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हुआ था यानी आरंभ हुआ था प्रश्न संख्या तीन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसी के भाग्य का निर्णय हुआ था यानी उसके बाद यानी फ्रांसीसी यहाँ से पूर्ण रूप से हट गए थे और अंग्रेजी शासन शुरू हुआ था तो की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या चार देखते हैं दिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज यानी अठारह में कहाँ पर स्थापित किया था ये प्रश्न दो में पूछा जा चुका है यानी एस के एग्जाम में मुंबई लाहौर नागपुर अहमदनगर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई में यहाँ पे देख सकते हैं यानी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यानी अठारह में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और अठारह में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था और इस इनके जो भी विचार हैं इनके प्रसिद्ध पुस्तक हैं सत्य प्रकाश में वर्णित किया गया है और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न संख्या पाँच देखते हैं देखिए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे ये प्रश्न दो में पूछा गया है एनिवेसेंट अजरा मोहन राय दयानंद सरस्वती विवेकानंद तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दयानंद सरस्वती प्रश्न संख्या छ देखते हैं दिया कि अप उपन्यासिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे ये प्रश्न दो में पूछा गया है स्वामी दयानंद आरजी जी भंडाकर ईश्वरचंद विद्यासागर महादेव गोविंद नाडे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वामी दयानंद प्रश्न संख्या सात देखते हैं देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था यह प्रश्न दो हजार में पूछा गया एस के एग्जाम में गुरु नानक देव दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन राय तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी दयानंद सरस्वती ने ही यह नारा दिया था प्रश्न संख्या आठ देखते हैं दिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की कि थी ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है दयानंद सरस्वती केशव चंद राजा मोहन राय विवेकानंद तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विवेकानंद ने किया था यहाँ पे देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अठारह में किया था यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और सर्वप्रथम मठ की जो स्थापना कोलकाता के समीप नगर में हुई थी और उसके बाद वेलूर यानी कोलकाता मिशन की स्थापना किया गया था यानी रामकृष्ण मिशन की प्रश्न संख्या नौ देखते थे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ये देखिए प्रश्न दो बार पूछा जा चुका है एस के एग्जाम में ग्यारह में भी और बारह में भी विवेकानंद रामकृष्ण एम जी रनाडे केशव चंद्र सेन तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या दस देखते थे कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था ये प्रश्न दो में पूछा जा चुका है अठारह सौ तेरह या 1844 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1835 में बनाया था और आपको बता दें 1835 में यानी अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था और किसके देख में तो लॉर्ड मैकाले के देख में बना था तो ये थे दस प्रश्न अगर वीडियो पसंद लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद